भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ी होगी। कोरोना को नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 8 राज्यर मुख्यमंत्री बैठक कले। कोरोना टीका को नहीं आलोचना करा गला। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका आसिले सारा देश में यार वितरण रोडमैप बाबद आलोचना कले। तेब एक प्राय निश्चित हो सारी नुआ बर्षर प्रथम मस में भारत में कोरोनार गोटे नुहे दुई दुईटी टीका आसीजीव। एम गोटे हे स्वदेशी टीका आउ गोटे विदेशी। देशवासी को संबोधन कर प्रधानमंत्री जो आश्वासना दे गोटे कथा स्पष्ट जे नुआ बर्ष कोरोनापाई काल पलट अर्थात महामारी भय आउ मात्र किछि दिन ही रहिबो। कोरोना टीका आउ मात्र टिके दूर रे अछि। नमस्कार, मु बंदिता आरंभ करबा स्पेशल रिपोर्ट। टीका आसिबा परे सरकारंक बड़ दायित्व रहिबो याकु देशर प्रति नागरिकंक पाखरे पहुंचाइबा जहाकु नै उभय केन्द्र एवं राज्य स्तररे रणनीति प्रस्तुत करा दउछि। तेबे टीका तयारी हेबार आशा केमिति सृष्टि हेला आउ टीका आसिले कोन हेबो ताकु बुझिबा पई देखंतु ए रिपोर्ट। आसंता वर्ष कोरोनार अंत, कोरोना को हराइबा को पूरा प्रस्तुति। कोरोनार दुईटे टीका प्रस्तुत, भारत को मिलिब स्वदेशी और विदेशी टीका। गत प्राय वर्षे हला कोरोना विरोध में चलिथिबा युद्ध एवं शेष पर्याय पहुंची सारी। सारा विश्वर वैज्ञानिकों ऑपरेशन कोरोना एवं प्राय संपूर्ण होगा। कोरोना को निपात करने को विश्व में गोटे दुईटी नुहे बर अधा डजन टीका आसी पारे। कोरोना टीकार खुशी खबर सारा विश्व में एक नुआ आशा सृष्टि करिछि। खबर भारत पर तो आहुरी आश्वस्ति भरा। दुनिया भर में कोरोना की आधा दर्जन वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। कठिन ट्रायल फेज से निकलकर ये वैक्सीन अब जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर मानी जा रही है वो भारत को सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन को तैयार करने वाले प्रोजेक्ट में भारत भी हिस्सेदार रहा है। इसके अलावा भारत में एक और बनाई जा रही वैक्सीन के बाजार में जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि यह माना जा रहा है कि अगला साल शुरू होते ही भारत में कोरोना की दो दो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। भारत को जो कोरोना टीका आसवा नहीं आशा करा जाउछि ताहा ब्रिटेन रो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ओ आस्ट्राजेनेका कंपनी मिलित तो भावे प्रस्तुत करिछंती। परीक्षा समय एही टीका को ए जाय विश्व रे निर्मित सब टीका ठारु अधिक सफल कहा जाउछि आ एही टीका आगामी वर्ष आरंभ रे भारत को मिलि पारे। भारत में जनवरी फेब्रुआरी रे एही टीका आसिबार आशा करा जाउछि। ऑक्सफोर्ड और आस्ट्राजेनेका मिलित भावे यहाँ विकसित करिछंती। आस्ट्राजेनेका सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात एसआईआई सह चुक्ति करिछि। एथिपाई भारत सरकार एसआईआई को मंजूरी देबा उपरे विचार करुछंती। भारत सरकार ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेकार तथ्य आधार सेरम इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे पारंती, किंतु भारत को ता पूर्वरु ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेका टीका को ब्रिटिश सरकारंक ठारु मिलिबाकु थिबा मंजूरी को अपेक्षा रहिछि। ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेका को मंजूरी परे भारत सेरम इंस्टीट्यूट को मंजूरी देबो। सबु किछि ठीक रहिले सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आस्ट्राजेनेकार तथ्य आधार रे डिसेंबर मास रे भारत सरकारंक ठारु अप्रूवल पई आवेदन करि पारे। मंजूरी मिलिबा परे कोविशील्ड नामक टीका बाजार को आसिबो। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है, उसकी फेज थ्री की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट है उनके उनके रिजल्ट हमारे पास जनवरी में उपलब्ध है। कोरोना टीका नहीं एका संगे दुईटी भल खबर आसुची। गोटे पटे ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेकार टीका आगामी वर्ष आरंभ रे आसीबार आशा, अन्य पटे गोटे स्वदेशी टीकार ट्रायल भी संपूर्ण हो सारी।
एमिति नुआ वर्ष आरंभ रे भारत रे दुईटी टीका आसी पारे। गोटे पटे ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेकार कोविशील्ड को मंजूरी रे अपेक्षा रहिछि, अन्य पटे भारत बायोटेक रो कोवैक्सिन को भी मंजूरी मिलि पारे। भारत बायोटेक निज टीका परीक्षण संपर्कित तथ्य शीघ्र सरकार को देव, जहां पर कोवैक्सिन को भी सरकार आपातकालीन मंजूरी दे पारती। सबकि ठीक रहिले स्वदेशी कोवैक्सिन और विदेशी कोविशील्ड उभय नुआ वर्ष आरंभ रे आसी पारती। जदि स्वदेशी और विदेशी दुईटी टीका एका सांगे आसे तेब यह केमिति लोकंकु दियाजिबो, एहारो नियम कण हेबो, एकथा स्थिर होइना हि, किंतु एहा उपरे विचार विमर्श आरंभ होइ जाइछि। ऐसा क्या होता है कि ये रेगुलेटर पे डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो रेगुलेशन जो होता है वो सीडीएसको नाम की एक संस्था है, सीडीएससीओ, तो वो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया जो है वो इनको तय करते हैं कि किस तरीके का अप्रूवल मिले, और इसमें स्वदेशी विदेशी कुछ देखा नहीं जाता है। जनरल ये होता है कि हमारे देश में भी अगर कुछ लोगों पे असर देखा गया है और हमारे देश के लोगों पर कोई विपरीत असर नहीं हो रहा है तो उसको फिर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए माना जा सकता है। ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेकार कोविशील्ड को नहीं सारा विश्व में उत्साह, कारण परीक्षार यार फलाफल बेस भल प्रमाणित होती। ऑक्सफोर्ड पक्ष टीका को नहीं एक बयान जारी कर आज दिन कोरोना लड़े बड़ दिन, प्रारंभिक तथ्य प्रमाणित हो आम टीका 70.4% सफल, एवं जदि दुईट डोज दि जाए तेज यह 90% रु अधिक सफल प्रमाणित होद्वारा आम सारा विश्व को खूब कम दाम एक सफल टीका उपलब्ध कराइबा दिगरे आउ पादे आगक बढ़ु। Pleased with this result because it means that we can go forward and apply for regulatory approval and get the vaccine out there and widely used. It was around 90% where we used the half dose for the first dose and a full dose for the second dose. But that means that because we can use a half dose and get higher protection, we have more doses available to vaccinate people and we'd be able to cover more of the population sooner. ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବି କରୋନା ଟିକା ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଟିକା ଆସିବା ପରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱରେ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। Really encouraging news on the Oxford AstraZeneca vaccine that obviously we've been backing since the start, and I'm really very pleased, really welcome these figures, this data that show that the vaccine in the right dosage can be up to 90% effective. ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ବହୁ କମ୍ପାନୀ କରୋନା ଟିକା ତିଆରି କରିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଟିକା ବଜାରକୁ ଆଣିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଫାଇଜରର ଦାବି ହେଲା ତାର ଟିକା କରୋନାକୁ ରୋକିବାରେ 95% ଯାଏଁ ସଫଳ, ଯେତେବେଳେ କି ମଡର୍ଣ୍ଣା ନାମକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଟିକାକୁ 90% ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରୁଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା କୋଭିଶିଲ୍ଡକୁ 70-90% ଯାଏଁ ସଫଳ ବୋଲି କହୁଛି। ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଡାଟାର ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାର ଟିକାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାର ସହ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଟିକା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ନିପାତ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଆସିଲେ ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 500-600 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହ କୋଭିଶିଲ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହଜ, ଯେତେବେଳେ କି ଫାଇଜର ଓ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଟିକା ମହଙ୍ଗା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଫାଇଜର ଟିକା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। କୋଭିଶିଲ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ରଖାଯାଇପାରେ। ଫାଇଜର କି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ ମେସେଞ୍ଜର ଆର୍ଏନ୍ଏ ପେ ଆଧାରିତ ହେ, और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो एडनो वायरस पे एक एंटीजन लगाया हुआ है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसके आधारित है। दोनों का प्रिंसिपल जो है अलग अलग है, तो ये समय ही बताएगा कि दोनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी है। सरकार यदि कोविशील्ड को प्रथम मंजूरी दियंती तबे तार प्रथम डोज भारत में पहुंचबारे अधिक समय लगे ना, एतिक नुहे यहाँ केमिति लोकंक पाखरे पहुंचा जीव तार प्रस्तुति भी सरकार कर सारी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को अगर मंजूरी मिली तो भारत में इसकी पहली खेप जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में आ जाएगी। टीके का पहला डोज स्वास्थ्य कर्मियों और उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कोरोना की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर बात की जाए तो भारत में 70 लाख डोज की जरूरत होगी।
इसके अलावा कोरोना की इस लड़ाई में लगी दूसरी एजेंसियों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो भारत को 2 करोड़ डोज चाहिए होंगे। कोरोना विरोध में टीका प्रस्तुत होगा परे भारत को प्राय 50-60 कोटी डोज रो आवश्यकता पड़ो एवं टीका को देशर कोण अनुकोण में पहुंचेबार दायित्व भी बड़ एथिपाई केंद्र और राज्य सरकार माने टीकार सप्लाई चेन तैयारी करिबार आरंभ कर देछंती और सारा देश में यह द्रुत गति में काम करा जाउछि। भारत भली बड़ देश 130 कोटी अधिक जनसंख्या पाखरे टीका पहुंचाइबा किछि सहज कथा नुहे तेबे एथिपाई भी आम सरकार रोडमैप प्रस्तुत कर सारिछंती केमिति सबु राज्य जिला ब्लॉक एवं गाँ गाँ को कोरोना टीका पहुंचा जिबो देखिबा ई छोटो ब्रेक परे। मंगलवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना महामारी एवं टीका को नहीं सरकार ब्लू प्रिंट देशवासी आगे उपस्थापन कले। प्रधानमंत्री टीका वितरण रोडमैप बाबदे एक कहले टीका को अपेक्षा कर देश महामारी को नहीं अवहेला कथा नुहे। कोरोना टीका आसवाकू दिन बाकी तथापि तो महंगा पड़पे अवहेला देशवासी प्रधानमंत्री परामर्श ध्यान शुणु पीएम को उपदेश। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था, ये स्थिति हमें नहीं आने दी। कोरोना को लेकर 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने जो बैठक की उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि देश कोरोना के चक्रव्यूह को पार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है लेकिन अब भी बहुत बड़ी जंग बाकी है। जरा सी ढिलाई इस जंग का पासा पलट सकती है, इसलिए जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की और सारे नियम कोरोना को लेकर पालन करने की। केवल आम देश नुहे सारा विश्व में कोरोना ग्राफ पुणि थरे बढ़िबा आरंभ करिछि। भारत रे भी बहु राज्य रे कोरोना रो संक्रमण द्रुत गति रे बढ़ुछि। प्रधानमंत्री मोदी से ही 8 राज्य मुख्यमंत्री बैठक कले जोठि कोरोना पुणि थरे द्रुत गति रे काय विस्तार करुछि। प्रधानमंत्री प्रथमे 8 राज्य मुख्यमंत्री कथे आउर देशर सबु राज्य मुख्यमंत्री एही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जोड़ी हेले जोंथरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना विरोधी युद्धर रणनीति सह टीका को नहीं सरकार ब्लूप्रिंट बाबद सूचना देले। प्रधानमंत्री मोदी बुझाइले केमिति टीका देशवासी उपलब्ध करा जिवो। प्रधानमंत्री टीका वितरण एक्शन प्लान उपरे आलोचना करी एक कथा स्पष्ट कले जे सबु नागरिकंकर टीकाकरण सरकारंकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हेबो किंतु सरकार टीकार साइड इफेक्ट को ध्यान रे रखी टीकाकरण अभियान सेतेबेले आरंभ करिवे जेतेबेले टीका सबु वैज्ञानिक मापदंड को पूरण करिवो। प्रधानमंत्री सारा देश रे टीका वितरण कार्यक्रम उपरे सबुठारु अधिक गुरुत्व देले। से राज्यगुड़ी को टीका वितरण नहीं परामर्श भी मागिछंती आउ निर्देश देछंती जे टीका वितरण पई कोल्ड स्टोरेज रो आवश्यकता पड़िबो, राज्य सरकार गुड़ी को ए दिगरे काम आरंभ कर दियंतु। प्रधानमंत्री कहिले जे ब्लॉक स्तर रे टीका वितरण टीम प्रस्तुत करबा को हेबो किंतु टीका केबे आसीबो से निष्पत्ति वैज्ञानिकों को उपरे छाड़ देबा उचित। टीका रो दाम कथा कहिले तहा टीका आसीबा परे ही स्थिर करा जाई पारिबो। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से WHO ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। टीका केबे आसीबो और सारा देश में यार वितरण केमिति हेबो एहाकु नै बेस किछि दिन हला प्रश्न उठुथिला। प्रधानमंत्री ए प्रश्नर उत्तर भी देले आउ कहिले कोरोना राजनीतिर प्रसंग नुहे आउ टीका कु नै सब किछि वैज्ञानिकंको उपरे छाड़ देबा उचित। क्योंकि आज भी कुछ अच्छे मुद्दे उठाए सबने, ये हो ये हो ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे,
ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। और ये कोई किसी पे थोप नहीं सकता है, भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। टीका वितरण सह प्रधानमंत्री राज्य गुड़िक ठारु एने मध्यम परामर्श मागिले जे टीका प्रथमे कहाकू ओ केउ आधारे दिया जिवो। एजा एकथा धरा जाउछि जे प्रथमे स्वास्थ्य कर्मींकर टीकाकरण हेबो, एहा परे कोरोना युद्ध सह संपृक्त लोकंकर टीकाकरण करा जाउ, आउ टीकाकरण पय वयस्कंकु प्राथमिकता दिया जिवो। सरकारक लक्ष्य होला टीका आसिबा परे 4 मास भितरे एहा साधारण लोकंक पाखरे पहुंचा जिवो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका को नहीं सरकार को एक्शन प्लान कथा तो कहिले, किंतु एथिसह भी स्पष्ट हला जे कोरोना विरोधी लड़ाई रे टीके भी अवहेला हबा कथा नुहे। आउ कोरोना ग्राफ जेमिति बढ़ुछि ताकु काबू करबा पई प्रधानमंत्री कोरोना सह युद्धर मंत्र भी देले। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे, इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है। और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। कोरोना विरोध में जारी युद्ध में गोटे पटे सरकार माने अभियान चलाई, अन्य पटे लागी रही छंती वैज्ञानिक। सारा विश्व में कोरोना रो बहुत टीका प्राय प्रस्तुत, आसंता वर्ष आरंभ में टीका आसीबार आशा करा जाउछि। एजाए होइथिबा परीक्षा रे ब्रिटेन रो ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेका रो कोविशील्ड टीका 70-90% फलप्रद होइछि, फाइजर रो टीका 95% जाय प्रभावशाली रहिछि, मॉडर्ना रो टीका 90% जाय सफल होइछि, एपटे भारत बायोटेक रो कोवैक्सिन 60% सफल होइछि, रूसिया रो स्पुटनिक भी ट्रायल रे 95% जाय सफल होइछि। एसबु टीका पई भिन्न भिन्न आवश्यकता रहिछि, जहाँ पई भारत निज प्रस्तुति करुछि। किछि टीका साधारण तापमात्रा रे गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को निया जाय पारे, अन्य केतक पई खूब कम तापमात्रा रो आवश्यकता पड़िबो। भारत सरकार एही चेष्टा करुछन्ति जे कोनोसी टीका आसिले तार वितरण रे जेमिति कोनोसी समस्या न होबो। एजा जे सूचना सामना को आसिछि से अनुसार ऑक्सफोर्ड रो कोविशील्ड को 2-8 डिग्री तापमात्रा रे व्यवहार करा जाय पारिबो। ए टीका आसिले भारत रे एहा पई कोल्ड चेन उपलब्ध, किंतु फाइजर टीका पई -60-90 डिग्री जाय तापमात्रा दरकार, जहाँ पई कोल्ड चेन भारत रे नाही। मॉडर्ना टीका पई -20 डिग्री तापमात्रा आवश्यक, एहा पई भी देश रे कोल्ड चेन अछि, जेतेबेले कि रूस रो स्पुटनिक भी को -8 डिग्री तापमात्रा रा आवश्यकता पड़िबो, आउ एहारो कोल्ड चेन देश रे अछि। टीका रो शीघ्र वितरण पई प्रधानमंत्री सबु राज्यर मुख्यमंत्री को निर्देश दैछन्ति जे सेमाने कोल्ड चेन प्रस्तुत करिवारो काम आरंभ करंतु। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत रहेगी, कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी, और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। गोटे पटे देश में कोरोना सह युद्ध जारी रही, अन्यपटे कोरोनार ग्राफ भी लगातार बढ़ी चली। कोरोना परिसंख्यान एवं 1 कोटी आड़क बढ़ुची, एमती सबुठू जरूरी है साधारण लोकों कोरोना युद्ध में भागीदारी, आउ यह आवश्यक है आम समस्ते कोरोना गाइडलाइन रो पालन निश्चय करिबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। गोटे पटे कोरोना भय, अन्यपटे टीका को नहीं आशा, एथिपाई सारा विश्व में परीक्षा चली। अधिकांश टीकार परीक्षा तृतीय पर्याय अछि, केतेक टीकार तृतीय पर्याय परीक्षा 90-95% सफल होइथिबा भी कहा जाउछि, किंतु बड़ प्रश्न हैला टीका आसीबो तो यार मूल्य केते हेबो, यहार उत्तर देखिबा एई रिपोर्ट रे। कोरोना कोपरे सारा विश्व रे आतंक,
एमती जटिल समय समस्त आशा रही टीका उपरे निकटे टीका को नहीं सामना को आसी बहु भल खबर परीक्षा बहु टीका भल परिणाम भी देमती लोके जाना चाहते जे जदि कौन टीका आम पाखे पहुंच तेरे तार मूल्य केते हेबो अमेरिका जर्मनी ब्रिटेन समेत विश्वर अन्य देशों कंपानी एवं टीकार आनुमानिक मूल्य उपर विचार करमेरिकार टीका को विकसित करार 955 मिलियन डॉलर खर्च करापर एक आशा कर प्रति व्यक्ति को 32-37 डॉलर व प्राय 2800 टंकार टीकार गोटे डोज मिल पार सेपटे फाइजर कंपानी कही निज टीका विकसित करने कौन फेडराल फंडिंग मिलना जर्मनी सरकारी सहायतार बायो इंटेक् को 375 मिलियन यूरो डॉलर मिली फाइजर टीकार मूल्य प्राय 3000 टंका आकलन करमेरिका कंपानी मॉडर्ना तुलन में यह टीका अधिक महंगा हो पाए फाइजर सह अमेरिका प्राय 200 मिलियन डोज जोगाण चुक्ति करी अमेरिका मॉडर्ना टीका कि 1.35 बिलियन डॉलर जाए देवा सहमत होपटे स्पुटनिक भी कंपानी पक्ष टीका मूल्य उपर एजाए कौन संकेत दि जाए ना कंपानी पक्षर कौन मूल्य निर्धारण कर अनेपटे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीका कोविशील्ड को कम मध्यम आय विशिष्ट देशों पर 3 डॉलर अर्थात प्राय 225 टंका मूल्य उपलब्ध हो दावी करा जाउछि सेपटे भारत में आईसीएमआर साहाज्य सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन को विकसित करिछि सीरमर सीओ अदर पुनावाला टीका को 1000 टंकारु कम मूल्य लोकों पाखर उपलब्ध करवाक संकेत देछन्ति सेपटे अमेरिकन टीका नोवावैक्स को मध्यम भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ही उत्पादन करिवो एमितरे गोटे डोज पिछा 240 टंका मूल्य प्राय 100 मिलियन डोज रो उत्पादन करिवो कंपनी ए टीका सबुर संरक्षण कथा कहिले एहार प्रक्रिया मध्य भिन्न भिन्न हेबो फाइजर टीका एमआरएनए टीका एवं एहाकु व्यवहार करिवार किछि दिन पूर्व जाए अल्ट्रा कोल्ड स्टोर रे रखा जिवो सेपटे बायोइनटेक टीका को अल्ट्रा चेन कोल्ड फ्रीजर रे -70 रु -80 डिग्री सेल्सियस मध्य रखा जिवो अमेरिकन टीका मॉडर्ना भी एमआरएनए टीका एहाकु 30 दिन जाए फ्रिज रे रखिबाकु हेबो जहाँ पूर्व अनुमान करा जाउतिबा 7 दिन तुलन में खूब अधिक गोटे मास पई टीका को 2-8 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे रखा जाई पारे स्पुटनिक भी एक एडेनो भाइराल टीका यहाँ से थंडा रे संरक्षण करिबार आवश्यकता पड़े ना रूस स्पुटनिक भी टीका को सर्वाधिक 18 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे रखा जाई पारे भारतीय टीका बाबद कहा जाउछि जेहा को 2-8 डिग्री तापमात्रा रे सहज रे रखा जाई पारे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया कोरोनार नुआ लहरी को नहीं देश में महामारी ग्राफ पुणि थे ऊपरक चढ़ा आरंभ कर आवश्यकता है यथासंभव सावधान रहा कारण आम आदो भूलिबा कथा नुहे जे टीका एजाए आसीना आीका आसिले भी समस्त पाखे पहुंचा को समय लगे समय सर स्पेशल रिपोर्ट को ये रखु नमस्कार।